हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पटेटो वेफर्स की रेसिपी। जाली वाले या हार्ट शेप वाले या फिर स्टार शेप वाले पटेटो वेफर्स आप फटाफट घर पर कैसे बनाएं, यह जानने के लिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप यदि बच्चों को एक बार यह वेफर्स बनाकर खिलाएंगे तो यकीनन वह बाज़ार के वेफर्स खाना भूल जाएंगे। इन वेफर्स को बनाने के लिए ना हमें इन्हें उबालना पड़ता है, ना ही पिटकरी में डुबोना पड़ता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा साइज़ का आलू, उसे छीलकर पानी में रख दें। एक आलू से आप दो प्लेट वेफर्स बना सकते हैं। अब एक बड़े बोल में एक चम्मच नमक डालकर उसे अच्छे से घोल लीजिए। अब जो आलू हमने छील कर रखा था उसे इस तरह की लहरदार किसनी यानी ग्रेटर पर से घिसना है। उसे घिसने के लिए एक बार हमें सीधा घिसना है और फिर दोबारा हाथ को थोड़ा सा घुमाते हुए फिर घिसना है। यानी एक बार आप जब घिसेंगे उसके बाद आलू को 90 डिग्री से घुमा दीजिए और फिर दूसरा बार घिसिए। इस तरह से प्रक्रिया करते रहेंगे तो आपको जाली वाले वेफर्स मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे जाली वाले वेफर्स बनकर तैयार हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं। अब इन सारे वेफर्स को हमने जो पानी और नमक का घोल बनाकर रखा था उसमें डाल दीजिए और करीबन 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आइए तब तक मैं आपको स्टार शेप और हार्ट शेप के वेफर्स कैसे बनाते हैं वह बताती हूँ। इसी ग्रेटर के पीछे की साइड स्टार और हार्ट शेप दिया हुआ है। यदि हम वेफर्स बनाने वाली स्लाइसर से स्लाइस करेंगे तो इस तरह से पतले पतले वेफर्स हमें मिलेंगे, परंतु जब हम उसे एक हार्ट शेप वाले कटाव पर रख कर अच्छे से दबा देंगे और फिर जब वेफर्स बनाएंगे तब हमें हार्ट शेप के वेफर्स तैयार मिलेंगे। इसी तरह हम स्टार शेप के वेफर्स भी बना सकते हैं। उसके लिए आलू को स्टार शेप के ऊपर रखिए और अच्छे से दबा दीजिए और फिर इसके वेफर्स बनाइए। प्लेन वेफर्स वाले प्लेट से घिसिए तब हमें मिलेंगे स्टार शेप के वेफर्स। यह प्रक्रिया बहुत ही लेंदी है इसलिए इसे मैं ओकेजनल ही बनाती हूँ। जब बच्चों को किसी तरह खुश करना होता है या उनको ऐसे डिफरेंट शेप्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। यह स्टार वेफर्स और यह हार्ट शेप के वेफर्स तैयार है। इसके जो आउटर कवरिंग है उसे हम किसी दूसरे इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसे भी तलकर खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब तेल को अच्छे तरह से गर्म कर लीजिए और इन वेफर्स को सुनहरा होने तक तल लीजिए। अब तक हमारा जाली वाले वेफर्स भीग कर तैयार होंगे। उनका पानी फेंक दीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिए और फिर एक सूती कपड़े पर इस तरह से बिछा कर रख दीजिए। एक दूसरे सूती कपड़े से इसे अच्छे से दबाते हुए पोंछ भी दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी सूती कपड़ा सोख ले। अब गैस पर यदि आप उपवास में तेल खाते हो तो वह, नहीं तो घी, उसे गर्म कीजिए और सारे वेफर्स डालकर तल लीजिए। गैस की आंच लो से मीडियम ही रखें ताकि यह वेफर्स अच्छे से क्रिस्प हो जाए, अन्यथा तेज आंच पर वेफर्स लाल रंग के हो जाएंगे परंतु क्रिस्प नहीं होंगे, नरम पड़ जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड से यह सुनहरे होने तक तल लीजिए और किचन नैपकिन पर निकाल कर रख दीजिए। इसी तरह सारे वेफर्स तलकर तैयार कर लीजिए।
जब यह तल कर तैयार हो जाए तब इस पर डालें एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी लाल मिर्च का पाउडर। आपके घर में यदि उपवास में काली मिर्च चलती होगी तो एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, या यदि उपवास ना हो तो इस तरह पीरी पीरी मसाला डालकर या फिर जिंजर गार्लिक का पाउडर मिलता है उसे डालकर या टमाटर का पाउडर मिलता है उसे डालकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यह देखिए किस तरह से एकदम क्रिस्पी पोटैटो वेफर्स बनकर तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिए। व्रत में बनाना हो तो आप जो तेल घी व्रत में चलता हो उसमें बनाइए, और नहीं तो आप इसे तेल में आराम से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।